I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. चाय लाऊं सरकार के वास्ते नहीं चाय बाग के झंझट करने कोई जरूरत नहीं हाँ वो खूब याद आया घर में कौन घायल हो गया कि साहब पूरा दवाखाना उठा लाया बाजार से घायल घायल तो कोई नहीं हुआ सरकार लगता है हुजूर आ गया मिस्टर सिंह आप भी दिन कभी चेंज कर दीजिए जिस दिन मैंने यहाँ का चार्ज लिया था उस दिन कह दिया था कि मुझे घर पर सुबह शाम की हाजिरी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं माफी चाहता हूँ हुजूर मगर कलेक्टर साहब बहादुर का हुक्म है कि लाट साहब वॉर फंड के जलसे में तशरीफ ला रहे हैं उनके आने से पहले राजेश का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है कलेक्टर साहब ने मेरे सबॉर्डिनेट्स जो कि मेरे नीचे काम करते हैं उनको हुक्म देना कब से शुरू किया और फिर राजेश को गिरफ्तार करना कोई मजाक नहीं है इस सिलसिले में मेरे लिए कोई हुक्म नहीं डरो क्या हुआ कुछ नहीं चक्कर आ गया था क्या हुआ जरा चक्कर आ गया था धीरज धीरज वो इंस्पेक्टर वो कोतवाल गया वो कमबख्त कोतवाल तलने का नाम ही नहीं ले रहा मैं उससे निपट के आता हूं राजेश की गिरफ्तारी के लिए कोई तारीफ मुकर नहीं की जा सकती है फना दिन राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाए और वैसे तो मेरे ख्याल में राजेश इस शहर से निकल गया होगा जी नहीं वो है तो इसी शहर में तो फिर मिलता भी नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा आप तशरीफ रखे हुजूर मैं समझाता हूं सारे शहर की नाकाबंदी की जा चुकी है रूई मंडी से नवापुरा घाट और मिश्र बाजार का सारा इलाका छना जा चुका है अब शहर का सिर्फ ये इलाका बाकी रह गया है डोंट बी सिली सिविल लाइंस है यहां सरकारी अफसर रहते हैं तुम्हारा मतलब है कि किसी सरकारी अफसर ने राजेश को छुड़ा रखा है व्हाई नॉट आजकल सब कुछ पॉसिबल है गुड इवनिंग साहब Good evening, sir. How do you do? All Indian officers, British Crown ka lai nahi. Sir, agar humne government officials ke gharon ki talashi shuru ki, to baat bigad jayegi. Kyunki jab unki wafadari par shak kiya jayega, to ye baat natural hai ki government ke khilaf feelings zarur paida ho. To hell with the feeling of everybody. I want Rajesh. राइट सर जो आप चाहते हैं वही होगा सरकारी बंगलों की तलाशी शुरू की जाए पहले मेरा बंगला फिर सर आपका फिर इनके क्वार्टर्स राजेश मिल गया तो क्या कहने और अगर नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर दूंगा ओ डोंट टेक इट लाइक दैट इतना एक्सट्रीम ना सोचिए इस पिसा शेर खान कन्फेशन करने वाला है अगर वो कन्फेशन में बता देगा कि राजेश कहां है तो ये सब गड़बड़ सारा परेशानी खत्म हो जाएगा शायद बोलता होता तो बोल देता
लेकिन हम जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। हम बोला नहीं, कभी नहीं बोलेगा। देखो जैसा, जब तक तुम बोलोगे नहीं कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याद रखो, यह हुक्म ऊपर से आया, हमारे को भी ऊपर से हुक्म आया है। शेर खान, चुप रहो। आज नहीं तो कल राजेश गिरफ्तार हो ही जाएगा। फिर इतनी तकलीफें उठाने का क्या फायदा? हम कोई दुकानदार नहीं साहब, कि नफा नुकसान सोचेगा। तुम राजेश के लिए अपनी जान देने के लिए क्यों तुले? ऐसी कौन सी बात है, क्या बात है? उसी बात में तो पठान की जान है। जब तक नहीं नहीं था तो एसपी साहब को क्यों बुलाया साले? खुदा का शुक्र कर कि हमारा कोई पहल नहीं है, वरना इस हाल में भी हम तुम्हारा खून पी जाता। इस कुत्ते को यहां से हटाओ, फिर हम आपसे बात करेगा। तुम सब जाओ। एसपी साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि अब हमसे चुप नहीं रह जाता। राजेश को अपने यहां से हटा डालो या फिर हमको मार डालो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं शेर खान। मैं जब जब यहां आता हूं, तुम्हें इस हाल में देखता हूं तो अपनी नजरों से गिर जाता हूं। अपनी नजरों से गिरने में बड़ी चोट लगती है। शेर खान, मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि तुम उस राजेश के लिए और तकलीफें उठाओ जो ना तुम्हारा दोस्त है ना रिश्तेदार। यह तो तुम जानो और तुम्हारा जमीर। चुप ना रह जाए तो बोल दो, जरूर बोल दो, लेकिन मैं राजेश को अपने घर से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि राजेश मेरा दोस्त है। दोस्त और पठान से ज्यादा दोस्ती की कीमत कौन जान सकता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर शेर खान को और टॉर्चर किया तो शायद वो मर जाए। मर जाने दो, बोलेगा नहीं तो मारा ही जाएगा। लेकिन सर, ये पॉलिटिकल मामला है सर, हो सकता है उसके मरने से शहर में दंगा फसाद हो जाए। वो जाने दो, वी हैव गॉट गन्स। लेकिन सर, एक इंकलाबी को गिरफ्तार करने के लिए इतना खून खराबा मुनासिब है? Nonsense! राजेश इंकलाबी नहीं, खूनी है। उसने कई ब्रिटिश ऑफिसर का जान लिया है और गवर्नमेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर की जान के बदले में 40 करोड़ इंडियन डॉग का जान ले सकता है। साहब,
जरा पानी मिलेगा? काहे नहीं पिलाएंगे खान साहेब, 100 बार पिलाएंगे, 1000 बार पिलाएंगे। अरे पानी तो आदमी जानवर का पिलावट है, एक कोतवाल तालाब बहुत भरना भी है, जब देखो तब जुलूम दिखा भरा है। ये हराम मौत नहीं, इसे मेरी आखिरी नमाज समझ लेना। शेर खान क्या कर रहा है? क्या है? जाओ तब चलाओ, जाओ। शेर खान ये तुम क्या किया? और क्या करता? आपने दोस्ती की और हम आपकी दोस्ती पर कुर्बान हो गए। शेर खान तुम्हारे हाथ में कुरान शरीफ है, मुसलमान मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। सोच रहा था धीरे से मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, सच बोल नहीं सकता। दोस्ती में झूठ नहीं बोला जाता, अगर दोस्त समझते हो तो दोस्त से सच बोल दो। कई सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, हमारे प्यार की बात उसे नहीं मालूम होनी चाहिए। वो मेरा यार है, तुम नहीं समझती हो, वो मेरे लिए अपनी जान दे देगा लेकिन मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। मैं किसी भी हाल में ये बात नहीं बता सकता। अगर उन्हें ये बात किसी और जरिए से मालूम हो गई तो? तब तो बड़ा गजब हो जाएगा। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.